Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @theratefulcrispies123. There I share the live updates of what I do and what I eat. I'll be dining at the Zing, which is the multi cuisine restaurant of this place. आज ने यहाँ पे सूप में टमेटो सूप का ही ऑप्शन है तो इसलिए मैं लाई नहीं. सो आई एम गोना स्टार्ट माई मील विद द वेस्टर्न मेन्स मेन्स कह लो या फिर आप इसे स्टार्टर भी कह सकते हो. हेयर आर द वेजिटेबल्स इन गार्लिक सॉस और ना इसे फ्राई करके बना रखे इन्होंने. दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक सॉल्ट एंड पेपर. यहाँ पे चिली मशरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था तो मैं ले आई ज़्यादा सा. दिस इज़ द चीज़ पास्ता टेने पास्ता के साथ बना रखा है इन्होंने और बहुत सारे ऑलिव्स डले हैं. वेजीज नहीं होती है इनके पास्ता में. आप इन्हें मशरूम के साथ पेयर कर सकते हो. एंड देन हियर इज द पनीर टिक्का और इस बार इनका पनीर टिक्का बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल एंड स्पाइसी दिख रहा है. यूजुअली थोड़ा ब्लैंड होता है यहाँ पे. सबसे पहले मैं गार्लिक वेजिटेबल्स ट्राई करूँगी बिकॉज वाई नॉट, दीज आर माई फेवरेट. गार्लिक वेजिटेबल्स लिखा तो था बट दिस इज़ लिटरली गार्लिक मशरूम. मशरूम ज़्यादा ही था शायद इनके पास पर ठीक है मेरा तो फेवरेट है. इट इज़ क्वाइट गुड. मेरे को लग रहा है ना इन्होंने उल्टा नाम लिख दिया. ये है गार्लिक मशरूम और ये है चिली मशरूम. इट इज़ क्वाइट स्पाइसी और बहुत ही हल्का सा मीठा है. अच्छा लग रहा है. आप इन वाले मशरूम को ना नूडल्स के साथ भी पेयर कर सकते हो. यमी लगेगा. टू गुड. गार्लिक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है इसमें और ना हल्की सी क्रिस्पी कोटिंग है इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर की. कॉर्नफ्लावर ना अच्छे से फ्लेवर भी एब्जॉर्ब कर लेता है तो यमी लग रहा है ये. मज़ा आ गया खाके. नाउ आई ट्राई द चिली मशरूम जो कि मेरे हिसाब से गार्लिक मशरूम होना चाहिए. तो काफ़ी सिंपल लग रहा है. इसमें इन्होंने पार्सली डाला हुआ है कि फिर सम ब्लैक पेपर और बहुत ही सिंपल फ्लेवर्स होने वाले इसके. बहुत यमी है. ऑलिव ऑयल के अंदर इन्होंने इसे सॉटे कर रखा है. बेसिक हर्ब्स एंड स्पाइसेस है इसमें. आप पास्ता के साथ पेयर कर सकते हो अच्छा लगेगा. नाउ आई ट्राई द चीज़ पास्ता. पहले पास्ता के साथ बनाया इन्होंने इसे. ऑलिव के साथ एक बाइट बनाऊँगी. चीज़ पास्ता इज़ माई फेवरेट. यहाँ पे जब भी अराबी आता होता है ना मैं थोड़ी सैड हो जाती हूँ बट टुडे आई एम हैप्पी.
पास्ता का टेक्सचर एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल भी सॉगी या मशी नहीं है। एंड सॉस इज रियली चीजी, बहुत अच्छा सा चीज़ पुल भी आता सर्व करते टाइम। आई टोटली लव दिस डिश। मैंने सोचा ये वाला बाइट मशरूम के साथ ट्राई करती हूँ, बिकॉज इतने सारे जो मैं ले आई हूँ पास्ता के साथ ही ख़त्म हो पाएंगे। नाउ गोना ट्राई द पनीर टिक्का। पनीर मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए बस दो पीसेस लाई हूँ। इनका पनीर टिक्का स्पाइसी दिख रहा है, मगर ना आज भी इसमें बेल पेपर या अनियन नहीं है। इट इज़ क्वाइट फ्लेवरफुल। हांग योगर्ट के अंदर इन्होंने स्पाइसेस डाल रखे हैं और उसमें ही मैरिनेट किया पनीर को, तो अच्छे से फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लिया पनीर ने। काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्मोकी फ्लेवर है इसमें। आई टोटली लव इट। सो या गाइस, नाउ आई गोना फिनिश ऑल दिस एंड मीट विद समथिंग एल्स। Here are the Hakka noodles, और इसे मैं पेयर करने वाली हूँ स्टोव फ्राइड ग्रीन्स के साथ। ये वैसे तो एक करी है, मगर ना मैंने इसे ऐसे सर्व कर लिया प्लेट में, बिकॉज प्लेट खाली थी। और यहाँ पे चिली मशरूम, तो मेरे को लगा ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी लगेंगी। नूडल्स मिक्स कर लेती हूँ, बिकॉज इसके ऊपर मैंने सॉसेस डाली थी, लाइक चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, तो काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाता है उससे। चिली सॉस इस बार मैंने थोड़ी कम रखी है अपनी तरफ से, क्योंकि ना स्पाइसी होते हैं यहाँ पे। और स्टर फ्राइड ग्रीन्स के साथ एक बाइट बनाऊंगी। बहुत सिंपल सॉस में बनाया हुआ है इन्होंने। आई कैन सी सम गार्लिक इन इट, और बस कॉर्न स्टार्च से इन्होंने थिक कर रखा है। ब्रोकली डली हुई है मेनली इस डिश में, एंड आई कैन ऑल्सो सी सम पॉक चॉय इन इट। नूडल्स के साथ एक बाइट बना रही हूँ। कमेंट करके बताओ आपको नूडल्स ज़्यादा पसंद है या फिर फ्राइड राइस। यहाँ पे तो वैसे नूडल्स का ही ऑप्शन होता है। काफ़ी अमी है। फॉर सम रीज़न ये स्टर फ्राइड ग्रीन्स ना थोड़े खट्टे लग रहे हैं, आई गेस इन्होंने इसमें भी विनेगर डाल दिया है। मेरे को पता होता तो मैं नूडल्स में नहीं डालती विनेगर। एक बार ऐसे ही ट्राई करती हूँ ब्रोकली को। ब्रोकली इज़ माय फेवरेट बाय द वे। यमी, दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक वेजिटेबल सूप, पता है बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। बस थोड़ा और पतला होता तो सूप लगता। अच्छा लग रहा है, हेल्दी डिश है ये। ऑयली तो होती ही नहीं है, और इतने सारे वेजीज है इसमें, वो भी ग्रीन वाले। एक और बाइट बनाती हूँ नूडल्स के साथ। वैसे तो चिली सॉस कम डाली थी मैंने, मगर ना स्पाइसी होगा नूडल्स, थोड़े अच्छे लग रहे हैं, परफेक्टली कुक्ड है, सॉगी नहीं है, और अच्छा कलर आ रहा है इनमें। आई गेस टर्मरिक डाली होगी इन्होंने। मशरूम के साथ भी एक बाइट बना लेती हूँ। चिली मशरूम लेकर आई हूँ मैं। या गाइस, नाउ गोना फिनिश ऑल दिस फूड, और फिर मैं आपको मिलूंगी इंडियन मेन कोर्स के साथ। अ लॉट ऑफ यू गाइस वॉच माय वीडियोस बट डू नॉट सब्सक्राइब। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट विल नॉट ओनली सपोर्ट मी बट ऑल्सो मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर सच वीडियोज़।